रिकॉर्ड के ऑप्शन पे आ गया। अब ठीक है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सही। ये अच्छा, जूम पता नहीं है रिकॉर्डिंग हो भी रही कि नहीं हो रही, मुझे पता ही नहीं लगेगा। कैसे पता लगेगा? नहीं पता क्योंकि मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं अच्छा, की। वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है अब हाँ मेरे हो रही लैपटॉप है पर। जी आ सर। रहे हैं लैपटॉप तुम्हारे तुम्हारे पास आ रहे हैं क्या? ऊपर ये सर ऊपर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा सही, तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तुम्हारे पास पर भी लिखा हुआ आ रहा है, वो मेरे पास भी लिखा हुआ आ रहा हाँ ऊपर जहाँ एनपिन वीडियो के बराबर में रिकॉर्डिंग हाँ सर लिखा हुआ आ रहा है सही। सर। तो बस ठीक है, फिर रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, मुझे सीख गया हूँ मैं। अच्छा, अब तुम भी रिकॉर्ड कर सकते हो क्या वीडियो? ये सर मैं ही कर देखता हूँ सकता हूँ। सर एक मिनट। देखो देखो सिर्फ क्या, आप ही देखो कर तुम, सकते हैं मैं सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यानी सिर्फ यस मैं ही कर सर। सकता हूँ, और कोई भी नहीं कर सकता। ओके सर। सही यार, चलो ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगर कोई अरे नहीं आया तो न्यू नहीं आया। न्यू चैप्टर स्टार्ट करें ना। चैप्टर 6 ही खत्म नहीं हुआ अभी, अच्छा कल हाँ क्या वो नाम है, सर। सारे बच्चे गायब हो गए थे ना, तो इसलिए। लेकिन आज चैप्टर 6 और चैप्टर 8 फौरन खत्म करते हैं यार। ये बच्चों का देख लूं एक नजर बस, कि इन्होंने सीन किया कि नहीं किया। एक सेकंड, एक सेकंड, अभी तक ना जहाजेब आया ना वो आया, समन आई है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं आया अभी तक, तो ऑफ सीन है यार। चलो खैर, अगर मुइन कोई नहीं आया है, अगर कोई नहीं आया तो कोई मसला नहीं, हम क्लास जो है ना वो स्टार्ट करें। ठीक है, मुइन आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई नहीं आया तब भी कोई मसला नहीं, हम क्लास स्टार्ट करें। अगर किसी क्लास में सोचेगी तो हम उसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे अब। ठीक है, आसान अच्छा बात है, हाँ ठीक चलो सर है ना? अब पढ़ना शुरू करें हम लोग। जी सर जहाँ पे भी मेरी आवाज़ डिस्टर्ब हो मुझे बताना, ठीक है? जहाँ जी पे सर मेरी आवाज़ डिस्टर्ब हो वहाँ पे मुझे बताना। अभी तो आ रही है ना आवाज़ क्लियर? जी सर अभी आ रही है। अभी देखो, कल हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक्सटेंट ऑफ कंजक्शन हमने जो ना कल केसी की दो एप्लीकेशन पढ़ी थी। केसी की हमने दो एप्लीकेशन पढ़ी थी कि केसी क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताता है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताने का मतलब यह है कि वो बताएगा फॉरवर्ड रिएक्शन में कब जाएगा रिएक्शन, रिवर्स में कब जाएगा या इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, ये डायरेक्शन से हमें पता लगता है। और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताने का मतलब यह है कि ये बताते हैं कि स्पीड क्या होगी, किस तरह से जाएगा। अगर फॉरवर्ड में जाएगा तो तेज जाएगा, आहिस्ता जाएगा, और अगर रिवर्स में जाएगा तो फास्ट जाएगा या स्लो जाएगा, और मॉडरेट जाएगा तो कब क्या होगा, कब रिएक्टेंट स्टेबल होता है, कब रिएक्टेंट अनस्टेबल होता है, कब सर प्रोडक्ट स्टेबल होता है, कब प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, और कब दोनों स्टेबल होते हैं। ये सारी बातें हमने कल डिस्कस करी थी जहाँ पे हमने ये लेक्चर खत्म किया था। ऐसा ही है भाई। हाँ मुइन, ऐसा ही है, आवाज आ रही है? जी सर ऐसे अब देखो, आज के दिन हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? आज के दिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। उस टॉपिक का नाम क्या भाई? चेकली प्रिंस ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है, और इसी तरह से एक सेम चीज होती है, मतलब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के जैसे ही एक और चीज होती है, उस चीज का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जो चीज है ये होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से चैप्टर के अंदर है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, और रिवर्सिबल रिएक्शन है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। दोनों बातें हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, क्या हम मुइन पढ़ना शुरू करें? पता नहीं क्यों मुझे जब आप बोलते नहीं हो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है? नो सर ऐसा नहीं।
बिल्कुल क्लियर आ रही है ना। अब देखो चैप्टर नंबर 6 के अंदर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अंदर हम लोग ये पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल इलेक्शन के अंदर। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है और उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे वो उस इक्विलिब्रियम को वापसी अटेन कर सके। समझ में आई क्या मेरी बात, मैंने क्या बोला? जी सर, आपने कहा कि अगर एक रिएक्शन हो रहा हो तो उसमें अगर इक्विलिब्रियम पे हो वो, हाँ, उसको थोड़ा डिस्टर्ब किया जाए तो वो उस तरफ अटेन करेगा जहां पे वो वापसी इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। ठीक है, देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ, अपनी वर्डिंग दोबारा से दोहरा देता हूँ, दोबारा सुन लो। मैं कह रहा हूँ एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब कोई चीज या कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर मौजूद हो, इक्विलिब्रियम की हालत में हो और उसके इक्विलिब्रियम के साथ में छेड़छाड़ की जाए तो वो केमिकल रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहां पर वो उस चेंज को अंडो कर सके, यानी वापसी इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके, वापसी इक्विलिब्रियम को हासिल कर सके, उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाता है। तो अब इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। क्या मेरी स्टेटमेंट समझ में आई है? स्टेटमेंट को आसान करके समझाऊंगा। थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि तुम इस जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बोल रहे ना, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो भी बात बोल रहा है, हम इस बात को समझेंगे थोड़ा सा आसान वाली वर्डिंग्स के साथ में। पहले मुझे बताओ कि तुम संडे को, इतवार वाले दिन आज सुबह कितने बजे उठे थे? सुबह 10 बजे उठे थे। कभी ऐसा हुआ तुम्हारी जिंदगी में, कभी ऐसा मोड़ आया हो कि तुम सुबह 2-2 बजे सो के उठ रहे हो, 1 बजे सो के उठ रहे हो, 12 बजे, 3 बजे सो के उठ रहे हो, ऐसा हुआ है कभी? 12 तक हुआ है, एक मतलब। अच्छा, मतलब सुबह आमतौर पे तुम जल्दी उठ जाते हो, है ना, ऐसा ही ना? जी सर। अच्छा देखो मेरे साथ क्या होता है, मैं तुम्हें अपना सीन बताता हूँ, फिर बाद में पढ़ लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं लेकिन जो मेरे साथ बता रहा हूँ ना, वो सुनना जरा ध्यान से सुनना। मेरे साथ पता है क्या होता था, मेरे साथ ये होता था कि मैं आम तौर पे ना संडे को, इतवार वाले दिन मैं 1-1 या 2-2 बजे सो के उठता था। पहले जब मैं पहले था, जब मैं तुम्हारी एज में था, तो मैं इतवार वाले दिन या अभी कुछ टाइम पहले तक भी मैं इतवार वाले दिन 1-1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे सो के उठता था। यानी कि कोई काम धंधा नहीं है, फारिग, बिल्कुल सुकून से टेंशन लेस होके बैठे हैं और जो ना 1 बजे सो के उठ रहा हूँ। तो पता है होता क्या था, होता इस तरह से सीन होता था कि मान लो मेरे घर पे ना सब 10 बजे उठ रहे हैं, मेरे घर पे सब 10 बजे उठ रहे हैं, और 10 बजे उठने के बाद होता क्या था कि अम्मी बोलती थी भाई नाश्ता लेके आ जाओ, ये हो गया, सीन हो गया। तो मैं क्या करता था, मैं बोलता हाँ जा रहा हूँ ना यार, चला जाता हूँ ना, और 1 घंटे तक अम्मी को सोते में ही टोपी कराता रहा, हाँ चला जाता हूँ, अभी चला जाता हूँ। और 10 बजे मैं उठा नहीं, मैं 11-12 बजे जाकर उठा और उम्र में तुम्हें चमाट लगा दूंगा, सही ना, ये जो मेरी पिक्चर ले ली ना तुमने, वीडियो बना लिया तुमने। तो मैं बोला था कि मैं 12 बजे सो के उठा और फिर अम्मी को नाश्ता ला के देने के बजाय 12 बजे अम्मी ने मुझे उठाया और मैं उठ के दूसरे वाले कमरे में गया और दूसरे वाले कमरे में जाके सो गया। फिर उसके बाद दोबारा अम्मी ने आके देखा, यार ये तो फिर सो गया है, 1 बजे आके फिर मुझे वापसी उठाया कि शेरार उठ जाओ, इतना टाइम हो गया, दोपहर हो गई, उठ जाओ। मैं दोबारा से उठा, मैं बेडरूम में जाके सो गया, दूसरे वाले कमरे में जाके सो गया। उसके बाद क्या हुआ, 2 बज गए। अब 2 बजे अब्बू मेरे कमरे में आए, उन्होंने एकदम सवाल लगाया शेरार, और मैं उठ के बैठ गया, फौरन ही उठ के बैठ गया और बस इस तरह से मेरी नींद खत्म हुई। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? जी सर। अब देखो यही होता है ली चैटलियट्स प्रिंसिपल में। ये क्या होता है ली चैटलियट्स प्रिंसिपल में, क्या होता है पहले तो मुझे समझाओ मैंने क्या बोला है, पहले तो मुझे समझाओ मैंने क्या बोला है, ताकि मैं पता चले मेरी आवाज तुम तक क्लियर आई भी है, बताओ। आपने कहा है कि एक मरतबा मैं उठा, जब मैं यमी ने उठाया कि उठ के खाना लेके आओ, नाश्ता लेके आओ, तो फिर आप अम्मी को भगा दिया और सो गए, और फिर दूसरी मरतबा जब अम्मी आई तो फिर आपने कमरा चेंज किया, फिर वहीं पर वहाँ पे भी सो गए, तीसरी मरतबा भी कमरा चेंज करके सो गए, जब अब्बा आए तो अब्बा ने उठाया, उठ गया, फौरन उठ के बैठ गया, है ना। यही चीज थी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब मैं बताता हूँ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आप किसी का सुकून है, मतलब जैसे इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन सुकून की हालत में है। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे है? सुकून की हालत में अगर आप उसके सुकून के साथ में छेड़छाड़ करोगे तो वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे वो वापसी उस सुकून को हासिल कर सके या वापसी उस इक्विलिब्रियम को हासिल कर सके। जैसे मेरे साथ हुआ, पहले मेरी नींद खराब करी तो मैं बेसिकली सुकून में था, जब मैं सो रहा था
तो मुझे नींद बहुत अजीज थी, अगर मेरे 10 बजे आगे नींद खराब करी तो बेसिकली मेरे सुकून के साथ में या मेरी नींद के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मेरी नींद के साथ छेड़छाड़ हुई तो मैं उस कमरे में गया जहां पे मैं जाके वापसी उस नींद को हासिल कर सकता था या उस सुकून को हासिल कर सकता था, वहां पे दोबारा छेड़छाड़ करी, फिर दोबारा मैं उस डायरेक्शन में या उस कमरे में चले गए जहां पे जाके मैं वापसी उस नींद को हासिल कर सकता था। यानी मैं बार 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 डायरेक्शन, आवाज अटक रही है? नो सर, मैं तो नहीं कुछ था। हाँ बस ठीक है, मैं ये अच्छा जहां से पाया, सही है, मैं समझ गया जहां से पाया। अच्छा तो वापसी क्या हुआ, वापसी में उस डायरेक्शन में जाता गया जहां पे जाके मैं उस इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकूं या उस इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकूं। तो इस तरह से क्या हुआ, बेसिकली मैंने क्या करना था, दोबारा सुन लो, जहां से वो भी आ गया, जहां से वो भी आ गया, तो इसलिए मैं ये वाली एग्जाम्पल को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि उसको भी समझ में आ जाए। मैं ये बोल रहा था जहां से मैंने ये बताया था कि क्या हुआ कि मेरी अम्मी ने मुझे आज सुबह 10 बजे उठाया, मैं नहीं उठा, पहले टोपियां कराता रहा, फिर उसके बाद 11 बजे आके उठाया, 11 बजे अम्मी ने बोले जाके नाश्ता लेके आ जाओ, मैं तब भी नाश्ता लेके नहीं आया, बल्कि मैं दूसरे कमरे में चला गया और कमरे में दूसरे कमरे में जाके सो गया। फिर 11 बजे अम्मी ने वापसी उठाया था, लेकिन नहीं, 11 बजे मैं दूसरे कमरे में आके सो गया। फिर उसके बाद वापसी अम्मी आई 1 बजे, उन्होंने मैं दोबारा उठाया, मैं दोबारा से उठा और उन्होंने बोला जाके नाश्ता लेके आओ, मैं फिर भी नाश्ता नहीं लेके आया, मैं दूसरे कमरे में आके सो गया। और उसके बाद 2 बजे फाइनली अब्बू की आवाज लगाने पर उठ गया। तो मैं ये बता रहा था कि जब 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 मेरा सुकून बर्बाद हुआ, सुकून बर्बाद हुआ था मुराद, जैसे जैसे मेरी नींद खराब हुई मैं उस कमरे में गया जहां पे जाके मैं उस नींद को वापसी हासिल कर सकूं। ऐसे ही ली चैटलियर्स प्रिंसिपल होता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल होता है, जब भी आप रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम खराब करोगे, जब भी आप उसकी इक्विलिब्रियम के साथ में छेड़छाड़ करोगे, तो वो केमिकल रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे उस इक्विलिब्रियम को हासिल कर सके, वापसी हासिल कर सके। बस इतनी सी बात है। तो मैं ये बता रहा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम के साथ में छेड़छाड़ हो सकती है वो 4 फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। पहला फैक्टर होता है कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन। पहला फैक्टर क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। तीसरा फैक्टर होता है प्रेशर, ठीक है। और चौथा फैक्टर होता है कैटलिस्ट। देखो अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ एक्चुअली में है क्या, ये बहुत आसान है। सर मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक दफा दोबारा बता दें स्टेटमेंट। अच्छा जाजेब, आज आपकी आवाज इतनी क्लियर आ रही है, इतनी साफ आ रही है, तो साबित हुआ कि कनेक्शन का मसला है, इंटरनेट कनेक्शन का मसला है। लेकिन मैंने आज की वीडियो को रिकॉर्डिंग पे लगा दिया ताकि मैं जिसका लेक्चर मिस हुआ तो मैं उसको रिकॉर्डिंग भी दे सकूं। बस ये बात है, बात समझ में आई है? ओके सर। ओ बेहतरीन हो गया जाजेब, दूसरी मरतबा आवाज क्लियर आ रही है। भाई देखो जाजेब, मैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बता रहा था। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में मैं ये बता रहा था कि ली चैटलियर्स साहिब ने फरमाया कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब यह है कि जो फॉरवर्ड भी जाता है और रिवर्स भी जाता है, तो कोई भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट वो होती है जहां पे ना फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना रिवर्स रिएक्शन होता है, बल्कि रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, आप उसके साथ में छेड़छाड़ करोगे, छेड़छाड़ करोगे किस तरीके से, कॉन्सेंट्रेशन को छेड़ोगे या उसके टेम्परेचर को या प्रेशर को या कैटलिस्ट को छेड़ोगे, तो होगा क्या कि वो उसका इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, तो वो केमिकल रिएक्शन अब उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे वो दोबारा से इक्विलिब्रियम को हासिल कर सके, इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। समझ गए मेरी बात, जहां से मुझे समझाओ क्या समझे। आपने बताया, 2 मिनट। हाँ हाँ बताओ। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को चार चीजों से छेड़ा जा सकता है। सबसे पहली बात, उसकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। और डीकेपी प्रिंसिपल बोलता है कि भाई ऐसी स्टेट यानी रिवर्सिबल रिएक्शन का वो स्टेट जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन कर दे, उसमें हम छेड़छाड़ करें, मोलर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इसको बोलेंगे डीकेपी प्रिंसिपल। सही है? नहीं हाँ, मतलब ये छेड़ेंगे अगर तो क्या होगा? तो सर उस पे कंसंट्रेशन पे इफेक्ट हो जाएगा, कंसंट्रेशन पे इफेक्ट आ जाएगा, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा या फॉरवर्ड चला जाएगा, ये हो सकता है। समझ गया। देखो मैं तो अभी तुम थोड़ा सा मतलब शुरू में बिल्कुल सही बताते बताते एकदम से कंफ्यूज हो गए। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था, जहां से आज तुम सुबह कितने बजे उठे थे? सर 5 बजे। अबे शाम के या सुबह के? सुबह के। अबे पागल वागल है क्या, 5 बजे पागल है? फजर की नमाज पढ़ते सोया नहीं दोबारा? हाँ सो गया था, मतलब फिर कब उठे? फिर कब उठे? दोबारा में कब उठे?
फाइनल दो बजे फाइनल दो बजे अब ये बंदा है मेरे काम का मुइन मुइन अब ये बंदा मेरे काम का है या नहीं है ये बताओ खुद बताओ है सर बड़े काम का है आपका बड़े काम का है जहां से मुझे ये बताओ पूरा कंडीशन बताओ कि दो बजे तक का सीन जो है दो बजे तक जब तुम सो पाए तो कैसे सो पाए अम्मी ने अबू ने आगे बीच में उठाया नहीं सर 11 बजे उठाया काम करके हाँ। फिर 12 बजे हाँ। उठाया हाँ। फिर दोबारा 5 मिनट के बाद फोन आ गया दोस्त का उसने तंग कर दिया फिर मैं सोया तो फिर नमाज का टाइम हो गया फिर मैं दोबारा सो गया नमाज भी नहीं पढ़ी मैं बोला घर पे पढ़ लूंगा नमाज पे नहीं गया फिर दोबारा क्लास का टाइम हो गया फिर चला गया टाइम हो गया था मुइन जो मैं बता रहा था तुम्हें मैंने समझाने की कोशिश करी थी ये तो मुझे खुद बता रहे यार ये मेरे साथ यही हुआ है ना ये सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ एक बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ देखो भाई जहां से मेरी बात सुनो जरा ध्यान से तुम समझना तुम्हें पहले 11 बजे उठाया अम्मी ने 11 बजे जब उठाया तुम पहले उठे और तुम किसी दूसरे कमरे में आके सो गए यार अम्मी मुझे सोने दें ये वो वगैरह वगैरह फिर जब तुम जाके सो गए दोबारा आई अम्मी आई उन्होंने दोबारा उठाया यार मुझे नाश्ता लाके दो ये वो तुम नाश्ता लेके आए फिर वापसी आके फिर किसी दूसरे कमरे में आके सो गए बात समझ में आ रही है उसके बाद दोस्त ने उठाया दोस्त का तुमने फोन काटा वटा गुस्सा आया उसको फिर किसी तरह दोबारा सो गए मतलब बार 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 क्या करना चाह रहे हो जहां से तुम बार बार क्या करना चाह रहे हो बस सर बात वही है कि उठाना चाह रहे हैं मुझे वो तुम्हें उठाना मैं सोना चाह रहा हूँ बिल्कुल तुम सोना चाह रहे हो घर वाले तुम्हें उठाना चाह रहे हैं ऐसी ही बात है ना जी जी अब यही बात होती है ली चैटलर्स प्रिंसिपल में ली चैटलर्स प्रिंसिपल ये बोलता है जब तुम सो रहे थे ना ये तुम्हारा जो सोना है ये तुम्हारी इक्विलिब्रियम स्टेट है इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये सुकून की हालत इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है सुकून की हालत अब जब तुम उसमें थे इक्विलिब्रियम की स्टेट में थे तुम सुकून की हालत में थे ना इक्विलिब्रियम स्टेट में थे तुम सुकून की हालत में थे अगर किसी ने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करी तो तुम उस जगह पे गए जहां पे तुम वापसी सो सकते थे और वापसी अपनी सुकून की हालत को रिकवर कर सकते थे या अटेन कर सकते थे ऐसी ही बात थी जी बिल्कुल नो सर अभी आवाज नहीं आ रही सर बिल्कुल सर जी बिल्कुल सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी आवाज कट चुकी है हाँ भाई आवाज आ रही मेरी मेरी आवाज आ रही अबे 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 भाई बीच में कॉल आ गई थी तीन कॉल्स आ गई थी बीच में तो इसलिए पहले तो तीन कॉल अच्छा अम्मी की थी ना तो अम्मी की कॉल काट नहीं सकते ना दो मरता काट दी थी इसी मरता उठा नहीं थी तो ये बात थी समझ आई बात ठीक है तो अब मैं ये बता रहा था कि जैसे जैसे तुम्हारा सुकून खराब हुआ तुम उस कमरे में गए जहाँ पे तुम जाके सुकून हासिल कर सकते थे अब ऐसी ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसका सुकून है इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट तो जब जब इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को खराब करोगे अभी इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को तुम कैसे भी खराब कर सकते हो अम्मी आके खराब करें अब्बू आके खराब करें या दोस्त का फोन आ जाए या नमाज का टाइम हो जाए किसी भी तरह से ये इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो सकती है लेकिन जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब होगी तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे वो वापसी इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल कर सके क्या समझ आई है मेरी बात जी जी सर समझ में आ गई समझ में आ गई अब मैं ये बता रहा हूँ मोलर कॉन्सेंट्रेशन से अगर आप किसी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे तो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट में फर्क पड़ता है कैसे पड़ता है देखो दो साइड होती है एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट अगर मैं क्या करूं मैं रिएक्टेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दूं मैं रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ा दूं तो कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा प्रोडक्ट वाली साइड पे जाएगा यानी रिएक्टेंट अगर बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो यही तो बोले रिवर्सिबल यही तो बोले ली चैटलर्स प्रिंसिपल कि अगर आप उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हो तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे वो वापसी इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके अगर मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाता हूँ अगर मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन क्या होगा बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होने का मतलब ये कि वापसी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा यानी रिएक्टेंट की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गई तो वो वापसी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर अगर रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा क्या मेरी बात समझ में आई आसान है मुश्किल बात है
इसकी वजह यही है ना कि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए करता है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाता है। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। अब देखो इसके अंदर इसका वाइस वर्सा होगा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? यस सर, यानी पहले एक दूसरे के उलट उलट, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम कर दोगे, रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो फॉरवर्ड, रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम तो बैकवर्ड, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा तो बैकवर्ड, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम तो फॉरवर्ड। समझ आ गई बात? उल्टा चलेगा ऐसा। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर अफेक्ट करता है दो तरह के रिएक्शंस को। एक रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक और दूसरा रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के अंदर और एंडोथर्मिक के अंदर, एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर कम करोगे, अगर लो टेम्परेचर होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जी, और बिल्कुल। अगर एंडोथर्मिक के अंदर हाई टेम्परेचर होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। बात समझ में आ गई? Yes, और इसी का वाइस वर्सा। वजह बताओ मुझे, वजह बताओ, वजह। वजह के बगैर हम कोई चीज आगे नहीं बढ़ेंगे, हर चीज की एक वजह है। वजह बताओ पहले। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है उनमें ज्यादती आ जाएगी, तो वो जो है ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हीट की एक किस्म है कि हीट की एक खासियत है कि हीट जो है कम से ज्यादा की तरफ जाती है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा कि रिएक्टेंस रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट में वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा देखो, अच्छा देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं आसान आसान से सवाल करता हूँ, मुझे आसान आसान से जवाब देना, मैं इतनी लंबी चौड़ी बहस ही नहीं कर रहा, ठीक है? मैं आसान आसान सी बातें पूछ रहा हूँ, आसान आसान से जवाब दोगे, सही है भाई? आप दोनों के लिए ठीक है ये वाली बात, मुइन और जहाज़ेब? जी सर। देखो भाई एक बात बताओ मुइन और जहाज़ेब, अभी तो फिलहाल आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, लेकिन मान लो आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आप किसी किसी ऑफलाइन क्लास में, जैसे मान लो मेरे कमरे के अंदर मेरे सामने बैठे हो और मेरे कमरे के अंदर बच्चा भरा हुआ है, भाई बोल रहे सर शरियार बहुत अच्छा पढ़ाते, तो हम दूर दूर से पढ़ने आएंगे सर शरियार से पढ़ने के लिए आएंगे, बिला वजह अपनी तारीफ करो, लेकिन फिर भी अगर पूरा कमरा मेरा बच्चों से भरा हुआ है और क्लास खत्म हो गई, अब क्लास खत्म हो गई, बच्चों ने बाहर निकलना है, बाहर कॉरिडोर है, तो एक बार बताओ बच्चों को जब बाहर निकलना है, पूरे मेरी क्लास के अंदर मान लो 50-60 बच्चे हैं, 50-60 बच्चों ने बाहर निकल के जाना है, तो कॉरिडोर जो है वो खाली होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए कि बच्चे सुकून से निकल सके, क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। हाँ, कॉरिडोर खाली होना चाहिए ताकि बच्चे सुकून से बाहर जा सके। समझ आ गई मेरी बात? अब देखो, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट को सिस्टम से बाहर जाना होता है, हीट को सिस्टम के एग्जिट करना होता है, एग्जिट होना होता है, बाहर जाना होता है। अगर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसमें सिस्टम से हीट को निकल के बाहर जाना है, तो अच्छी बात यह है कि बाहर कोई हीट नहीं होनी चाहिए, बाहर कोई सराउंडिंग के अंदर कोई हीट नहीं होनी चाहिए, ताकि अंदर वाली हीट सुकून से निकल के बाहर जा सके। वरना क्या होगा कि अगर बाहर हीट ज्यादा होगी और अंदर वाली हीट ने बाहर निकलना है तो वो निकल नहीं पाएगी, रश लग जाएगा। ऐसी बात है जैसे कॉरिडोर भरा हुआ होगा तो बाहर कॉरिडोर में रश लगा हुआ है, अंदर वाले लोग भी सुकून से नहीं जा पाएंगे, ऐसी ही बात है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर सिस्टम से हीट ने निकल के बाहर जाना है, तो बाहर हीट नहीं होनी चाहिए, बाहर बहुत कम हीट होनी चाहिए ताकि अंदर वाली हीट सुकून से निकल के बाहर जा सके। क्या है मेरी बात समझ में आई है? जी सर, जी सर, बेहतरीन समझ में आ गई। तो इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर लो टेम्परेचर फेवरेबल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन हो। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो बच्चे बोलते हैं कि यार केमिस्ट्री का कोई भी टीचर चल जाएगा, सर शेरियार को इतना खास नहीं है, बस ऐसा ही है, बस अगर हमें पढ़ना पड़ा तो पढ़ लेंगे, और मेरी क्लास बिल्कुल खाली है, मेरी क्लास बिल्कुल खाली है, और जो है ना मेरी क्लास में एक भी बच्चा नहीं है, पूरा रूम खाली पड़ा हुआ है, और मैं चाह रहा हूँ यार कॉरिडोर के अंदर बहुत सारे बच्चे हों, बहुत सारे बच्चे हों, ताकि उनमें से कुछ बच्चे तो मेरे पास आ जाए जिनको मैं पढ़ा लूँ, तो बताओ मैं क्या चाहूंगा कि कॉरिडोर में अब की मरतबा ज्यादा बच्चे हों या कम बच्चे हों? ज्यादा बच्चे हों। क्यों? आपकी क्लास में भी आ सके। हाँ, अगर कॉरिडोर में बहुत सारे बच्चे होंगे तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि उनमें से कुछ बच्चे मेरी क्लास में भी आएंगे और मेरा काम भी चल जाएगा, इसीलिए। अच्छा अब मेरी आवाज अटक रही है क्या?
नो सर, आपकी आवाज नहीं अटक रही है, सही वीडियो अटक रही है सर। वीडियो अटक रही है, देख वो देख, बंद हो गई। अब सही हो गई वीडियो, सही हो गई अब वापसी भाई, वीडियो सही हो गई है? जी जी सर, बिल्कुल सही है सर। बस ठीक है। अब देखो मैं ये बोल रहा था कि कॉरिडोर के अंदर अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो ज्यादा चांस है कि उनमें से कुछ बच्चे मेरे पास भी आ जाएंगे और मेरा काम भी चल जाएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी यही होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर सिस्टम सिस्टम के अंदर हीट बाहर से आती है, यानी सिस्टम अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो अच्छी बात यह है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि बाहर से ज्यादा हीट सिस्टम के अंदर आ सके। ज्यादा अगर बाहर ज्यादा हीट होगी तो ज्यादा चांसेस ये है कि ज्यादा हीट सिस्टम के अंदर आ जाएगी और इस तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा, यानी इसका काम आसानी से चल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। सर मोइन लेफ्ट हो गया। अल्लाह अकबर, मोइन वापसी ज्वाइन करेगा अभी। तो ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाली बात समझ में आई है? जी सर समझ में आ गई है। अब मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ, प्रेशर से पहले कैटेलिस्ट की बात कर लेते हैं। प्रेशर से पहले किस चीज की बात कर लेते हैं? कैटेलिस्ट तो पता है सर, वो स्पीड अप करते हैं किसी भी रिएक्शन को। हाँ, और स्लो डाउन भी कर सकते हैं कैटेलिस्ट। दोनों काम कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं बिल्कुल। कैटेलिस्ट दोनों काम कर सकते हैं। कैटेलिस्ट की दो टाइप्स हैं, कैटेलिस्ट की दो टाइप्स हैं। आ गया मोइन? आ गया जी सर। कैटेलिस्ट की दो टाइप्स होती है, पॉजिटिव कैटेलिस्ट और नेगेटिव कैटेलिस्ट। देखो मोइन, आपको एंडोथर्मिक वाली एग्जांपल समझ में आई थी? एंडोथर्मिक वाली एग्जांपल वो आप ये कह रहे थे कि बाहर बच्चे जमा होंगे तभी वो मेरी क्लास में भी आएंगे, है ना? तो मैं इसका यही बोला था, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? अब्सॉर्ब करती है हीट, जरूरत पड़ती है हीट की। यानी कि अगर अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब ये है कि बाहर से हीट सिस्टम के अंदर आएगी, ऐसी बात है? यस सर। सर हीट एब्जॉर्ब होगी ना, एंडो का मतलब एंड होगी, इन। हां तो हां वही तो मैं बोला, बाहर से हीट सिस्टम के अंदर आएगी, तो इसका मतलब यही है ना कि सिस्टम अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सिस्टम अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो एक बात बताओ, बाहर अगर मेरी क्लास के अंदर बच्चे आए तो मैं मानता हूं, मैं चाहूंगा कि बाहर कॉरिडोर में बच्चे ज्यादा हो। ऐसी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सिस्टम भी क्या चाहेगा? बाहर हीट क्या हो, ज्यादा हो, वो चाहेगा कि हाई टेम्परेचर हो सराउंडिंग के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। तो हाई टेम्परेचर से क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा, यानी प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। अब अगर इसी का उल्टा कर दो तो वाइस वर्सा हो जाएगा। जैसे अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर लो टेम्परेचर कर दो तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लो टेम्परेचर का मतलब ये कि बाहर हीट ही नहीं है, बाहर से सराउंडिंग में हीट ही नहीं है और सराउंडिंग से हीट आई नहीं पा रही सिस्टम के अंदर, तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हाई टेम्परेचर कर दो तो तब भी क्या हो जाएगा? रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आसान बात है या मुश्किल बात है? जी सर आसान बात है। अब देखो कैटेलिस्ट की मैं बात बता रहा हूँ, कैटेलिस्ट क्या होता है? कैटेलिस्ट एक बहुत ही ज्यादा आपका वफादार दोस्त होता है। कैटेलिस्ट क्या होता है? वफादार दोस्त। कैटेलिस्ट वफादार दोस्त है। ये आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा, ये आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा कभी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है या रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। ये आप जिस डायरेक्शन में जाओगे ये आपकी उस डायरेक्शन में जाने में या तो मदद करेगा, आपकी स्पीड को बहुत बढ़ा देगा, या आपको बोलेगा नहीं 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 यार ये नहीं कर यार रुक जा अबे नहीं कर नहीं कर अबे रुक जा, तो आपकी स्पीड को स्लो कर देगा। समझ रहे? दो में से एक काम करेगा। समझ रहे मेरी बात? जी सर। अब देखो कैटेलिस्ट दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव कैटेलिस्ट नेगेटिव कैटेलिस्ट। ऐसे समझ लो, मान लो आपका जो वफादार दोस्त है, पता नहीं कोई भी आपका वफादार दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है, आप उस पर जान छिड़कते हैं, आप उसको बोल रहे हो यार मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं ना लड़की भगा के ले जाऊँ, मान लो लड़की भगा के ले जाऊँ, तो बोलेगा नहीं अबे नहीं ये काम नहीं कर, अबे रुक जा अबे रुक रुक अबे ये नहीं कर। तो क्या कर रहा है वो? आपकी स्पीड को क्या कर रहा है? स्लो कर रहा है। आपकी स्पीड को क्या कर रहा है? बोले गुनाह हो जाएगा, बोले गुनाह हो जाएगा। तो बोले आपकी स्पीड को, अबे रुक जा नहीं कर ये काम, अबे कोई और रास्ता निकाल, तो वो आपकी स्पीड को क्या कर रहा है? स्लो कर रहा है। और अगर क्या नाम है वो कर रहा है, मतलब आप बोलते हो कि भाई हम भगा के नहीं लेके आएंगे, हम अरेंज मैरिज करेंगे, शादी है, सुकून से आना, तो बोलेगा अबे जो काम मेरे सारे काम तेरे मैं करूंगा, तेरे भाई के जिम्मे तेरे काम, ये आ जाइए करते वो करते सब सारे काम कराओगे, मतलब आपकी स्पीड को क्या कराओगे, आपकी काम करने की स्पीड को बढ़ा देगा, तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। सर एग्जांपल बड़ी प्यारी समझ में आई है यार, एग्जांपल दी बड़ी प्यारी समझ में आई, थैंक यू सो मच यार। कैटलिस्ट आपके दो काम करते हैं, या तो स्पीड अप करता है या स्लो डाउन करता है। अब
जो स्पीड अप करता है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, मतलब वो काम की स्पीड को बढ़ा रहा है तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और अगर जो काम की स्पीड को स्लो कर रहा है तो वो कौन सा है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो ये है स्पीड अप, पॉजिटिव कैटलिस्ट स्पीड अप करेगा और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और प्रेशर, प्रेशर क्या करता है, प्रेशर डिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स पे। प्रेशर किस चीज पे डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ करता है ना मोल्स, या इसको हम लोग दूसरे अल्फाज में बोल सकते हैं वॉल्यूम। नहीं, दोनों ही बोल रहा हूँ भाई, दोनों ही बोल रहा हूँ भाई, मोल से ज्यादा आसानी समझ में आ जाता है। आप एक बात याद कर लो जहादेव और मुइन, एक बात याद कर लो, ये बहुत आपके काम आएगी। अगर रिएक्टेंट के दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो दोनों के वॉल्यूम भी बराबर हैं। अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है तो उसके वॉल्यूम भी कम है। बात समझ में आ रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये एक दूसरे के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बोलूंगा, क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। सर एक चीज मुझे बताएं, वो प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना वॉल्यूम के, चार्ल्स लॉ। प्रेशर, प्रेशर बेटा ये बॉयज लॉ है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, वॉल्यूम के। हां ये एक चीज बता दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फिर नहीं होगा ना वॉल्यूम के भाई, प्रेशर, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, लेकिन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। भाई एक बात बताओ, अगर 50 बंदे होंगे एवोगाड्रो नंबर वाला, हां एवोगाड्रोस लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ, हां एवोगाड्रोस लॉ या एवोगाड्रोस नंबर, वैसे फिक्स वैल्यू है, एवोगाड्रोस लॉ है ये। भाई 50 बंदे होंगे भाई, जहां से समझो 50 बंदे हैं तो ज्यादा जगह घेरेंगे या 10 बंदे तो ज्यादा जगह घेरेंगे, 50 बंदे ज्यादा जगह घेरेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स, मोल से मुराद लोगों की तादाद समझ लो, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी आसान बात है। अब अभी हमने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा, चैप्टर 2 हमने स्किप किया हुआ, लेकिन जब बॉयज लॉ आएगा तब मैं प्रेशर का लिंक बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल प्रेशर का समझो कि प्रेशर क्या काम करेगा। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर प्रेशर एक बड़ा आसान सा काम करता है। प्रेशर क्या करता है, प्रेशर केमिकल रिएक्शन को उस डायरेक्शन में जाके लेके जाता है जहां पे वॉल्यूम कम होता है या जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। प्रेशर क्या करता है, प्रेशर केमिकल रिएक्शन को उस डायरेक्शन में लेके जाता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। अब प्रेशर समझ लो, प्रेशर से मुराद एक एनजीओ है। प्रेशर से मुराद क्या है, एनजीओ। मान लो कि लोगों ने दुनियावी एग्जांपल से समझ में बहुत अच्छा आ रहा है। अबे तो दुनियावी एग्जांपल ही दे रहा हूँ, कौन सा मैं नमाज पढ़ने का बोल रहा हूँ अभी तुम्हें, दुनियावी एग्जांपल दे रहा हूँ और क्या दे रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ भाई, मान लो प्रेशर ना एक एनजीओ है, एनजीओ जो मतलब लोगों की मदद करती है। अब देखो, अब उसके जिम्मे लोगों ने मतलब उसके पास बहुत सारा खाना है, वो क्या कर रही है, अमीरों से खाना कलेक्ट कर रही है, अमीरों से खाना या अमीरों से पैसा कलेक्ट कर रही है और गरीबों में लेके जा रही है। ऐसे ही काम करती है एनजीओ, अमीरों से फंड्स लेती है और गरीबों में तकसीम करती है, यही काम करती है ना भाई एनजीओ सिंपल अल्फाज में। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। प्रेशर क्या काम करता है, प्रेशर जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं वहां से रिएक्शन को उठाता है उस तरफ लेके जाता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, या प्रेशर वहां से केमिकल रिएक्शन को जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है वहां से उठाता है उस जगह पे लेके जाता है जहां पे वॉल्यूम कम होता है, मतलब जहां पे पैसे ज्यादा है वहां से पैसा कलेक्ट करता है उस जगह पे जाता है जहां पे पैसा कम है, तो इस तरह से लेके जाता है प्रेशर। समझ आ रही मेरी बात? अब देखो मैं तीन इक्वेशंस लिख रहा हूँ, तीनों इक्वेशन में समझना है अपने को, तीन इक्वेशन में समझना है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है N2 plus 3H2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, 2NH3 के अंदर। दूसरा है मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2SO2 plus O2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, 2SO3 के अंदर। और मान लो एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, H2 plus I2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, 2HI में। बताओ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर को क्या कर रहा हूँ भाई, इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ। जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बताओ जरा, 4। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4। देखो जैसे 3 मोल्स यहाँ पे और 1 मोल यहाँ पे, 3 + 1 कितना हो गया, 4 मोल्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने,
इसका मतलब बताओ, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, मैं हाई प्रेशर कर रहा हूँ, तो यहाँ से रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? सर आगे चला जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा, क्योंकि आगे कम चला जाएगा। हाँ आगे चला जाएगा, क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है वहां से रिएक्शन को लेगा और उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा। बात समझ में आ रही है जी सर? इसी तरह से अब इसी तरह से मान लो मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ताकि ये वाली एग्जाम्पल थोड़ी चेंज हो जाए, मैंने गलती से वो कर दिया। अब आप समझाओ, मान लो कि यहाँ पे कितने मोल्स हैं, यहाँ पे लिखे मैं 2 मोल्स, और यहाँ पे कितने हो गए भाई मोल्स, कितने हो गए? सर उसका वाइस वर्सा हो जाएगा, सिंपल है, वाइस वर्सा हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो बताओ ना यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, मुइन तुम बताओ। सर बैकवर्ड, यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन। और सर इसमें नाम कौन सा होगा इसका, क्या मतलब नाम कौन सा होगा, मतलब एक्सोथर्मिक होता है एंडोथर्मिक होता है ना? अब ये दो रिएक्शन हमने किए, प्रेशर का ताल्लुक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन से नहीं है भाई, ठीक है ना? यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ताल्लुक टेम्परेचर से है, प्रेशर का ताल्लुक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से नहीं है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो ना ही तो एक्सोथर्मिक होते हैं ना ही तो एंडोथर्मिक होते हैं, उनको हीट की जरूरत ही नहीं होती। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं, ठीक है? तो उसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में भी प्रेशर के लिए यही लॉ है, और जो रिएक्शन ऐसे नहीं है उनके अंदर भी यही लॉ है, ठीक है? अब जैसे मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा, जरा मुझे बताओ ना, यहाँ पे H2+I2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2HI के अंदर, बताओ यहाँ पे क्या होगा, जरा मुझे समझाओ। सर ये वाली इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसमें इधर कहीं नहीं जाएगा, बीच में खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 2 मोल्स है और यहाँ पे भी कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स है, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ पे एनजीओ कुछ भी नहीं करेगी, अपनी जगह पे रहेगी, बोलेगा भाई पैसा हमारे पास से आने दो यार, बीच में बैठ जाएगा ना, आगे ना बोलेगा नो ऑफर, ना आगे ना पीछे। तो ये चीज समझ में आ गई, आसान थी या मुश्किल? सर बिल्कुल बच्चों वाली थी, बिल्कुल बच्चों वाली थी। अब फैक्टर